हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ भूपेंद्र सैन, ये है हमारा रूम। आज हम आप लोगों को रूम दिखाएंगे अपना कि कहाँ पर मैं वीडियो शूटिंग करता हूँ। ये हमारी चेयर जो पढ़ने के लिए यूज, जब भी पढ़ता हूँ तो इसी का यूज करता हूँ। काफ़ी कंफर्ट है, आरामदायक है। और ये है हमारा बाहर से रूम देखते हैं। और क्या क्या चीज़ें वो भी दिखा रहा हूँ। ये बैग, ये लैपटॉप, लैपटॉप टेबल, कुछ बुक्स पड़ी हुई है हमारे पास। और ये हमारा कैरियोके, इसको कराओके भी बोलते हैं। इससे गाना वगैरह, योगा, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। ये है हमारी रोप, रस्सी, जिसको कभी कभी जब एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो इसका यूज करते हैं और जंप करते हैं। ये हमारा बोर्ड है। और ये गिटार दिख रही होगी आप लोगों को। ये हमारी कुछ बुक्स हैं और इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की बुक्स हैं। ये हमारे पास मोर का पंख है, नेचुरल है। एक दिन हमारे सामने से निकला था मोर, तब उसने ये छोड़ा हुआ था। और ये हमारा वॉच जो गिफ्ट दिया था किसी ने, ये हमारी माता जी हैं। और ये बोर्ड है, यहाँ पर कुछ किचन का सामान पड़ा हुआ है, टेबल वगैरह हैं। दो टेबल हैं, एक के पढ़ने के लिए यूज़ करता हूँ, दूसरा ऐसा ही। ये ब्लॉग के कुछ मटेरियल रखा हुआ है। ये हमारा मनी प्लांट है। और ये है हमारा चूल्हा। जब लॉकडाउन लगा था तब इसी से मैंने अपना सारा लॉकडाउन काटा हुआ है। ये सबसे अच्छी खास बात है चूल्हे की, इसमें लाइटर का यूज़ नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक ही जल जाता है जैसे इसको ऑन करते हैं। और कुछ ये डंबल वगैरह हैं, कुछ पानी की बोतल रखा हुआ है ना चेयर के पीछे, योगा मैट है मेरा। और बाकी तो आप लोगों ने देख लिया है, कुछ बॉक्स भी पड़े हुए हैं अनबॉक्सिंग वाले, गिटार का, लैपटॉप का, और ट्राइपॉड वगैरह भी देख लिया आपने रखा है। इसके अलावा और तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरा रूम छोटी छोटी चीज़ों से भर चुका है। और कभी कभी जो चीज़ याद नहीं होती तो मैं इस पर लिख लेता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ। और ये हमारे चॉक वगैरह रखे हुए हैं, कलर्ड चॉक, इसमें कुछ पेंसिल्स वगैरह, कलर्ड पेंसिल, हाइलाइटर। और तो हमारा टेबल लैंप है, ब्लोवर वगैरह रखा हुआ बैग। तो कुछ नहीं, ये बुक्स वगैरह हैं तो इनका डिटेल बताऊंगा। ये हमारी फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी, मेडिकल डिक्शनरी, एनाटॉमी और फार्मेको। माता जी को तो बता ही दिया है, माता जी बैठी हुई है हमारी वैष्णो देवी में, जो मेरी बहुत हेल्प करती है। हमने एक पेंटिंग बनाई थी, वो भी एक दिन बना रहा था तो बना के रख दी गई, अच्छी लग रही थी मुझको। ये मेरी गिटार है और कुछ स्टैंड भी पड़े हुए हैं। इसके अलावा और तो कुछ खास नहीं है मेरे रूम में। यहीं पर बैठ के मैं वीडियो बनाता था, ऊपर कुछ बहुत अच्छा गोल्डन कलर का डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ से वो ऊपर वाइट है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो वीडियो शूटिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। योगा मैट तो आपको अच्छे से दिखा दूँ, ये मेरा योगा मैट है जो दिख लिया। और ये
अवेलेबल है। ये हमारा लैपटॉप है, इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, आप देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। 360 है, एंटी क्लेयर इसका डिस्प्ले है और टच भी है, इसके साथ पेन भी आता है, सारा डिटेल दिया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन जो इसका डिटेल है एक वीडियो में मैंने दिया है, चाहो तो आप देख सकते हो। और तो क्या, ये जिम बैग है, तो कभी ले जाता हूँ तो कुछ जिम कपड़े वगैरह रख लेता हूँ जब जिम जाता हूँ तो, और तो कुछ भी नहीं। ये हमारा इससे ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए लिया था, लेकिन इसको कभी बाहर यूज़ तो नहीं करता हूँ, हालांकि घर पे ही इसका यूज़ करता हूँ। और टेबल लैंप, बोतल वगैरह, कुछ मास्क रखे हुए हैं, लैपटॉप का चार्जर रखा हुआ है, यहीं पर बैठ के बनाता था मैं वीडियो। चाय वगैरह शीशे बनाते हैं, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं मेरे पास। जब बाहर नहीं जाते तो इससे चाय, खाना, सारी चीज़ मुझसे आती है, सारी चीज़ तो नहीं, मतलब इतना आता है कि मैं, और ठंड में कभी कभी हाथ भी सेक लेता हूँ इससे। आप लोगों को कैसा लगा मेरा रूम, प्लीज़ कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों ने बोला था कि रूम का वीडियो बनाओ, तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, लेकिन बना अभी पाया हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए भूपेंद्र सिंह के चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। Thank you friends for subscribing.